नेता प्रतिपक्ष सभी दल में घूमते हुए, इन सब दल से घूमते हुए अंत में दल दल में चले गए हैं, इसलिए इनको मुबारक। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार विधान परिषद की, जहां पर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कल आपने बिहार विधानसभा में देखा कि किस प्रकार शायर बन गए तारकिशोर प्रसाद को विजय चौधरी ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। तो आज दौर था बिहार विधान परिषद में शुभकामना देने का, और शुभकामना दिया जा रहा था नेता प्रतिपक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी को। लेकिन इस बीच विजय चौधरी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद सभी हंसने भी लगे, और चुटकी लेते हुए विजय चौधरी ने सबसे पहले तो क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि उन्होंने जो कहा कि समाजवादी लोग ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहते हैं, इसमें हम थोड़ा तरमीम करना चाहते हैं, इसमें ये बदलाव कर दें कि, और इन्होंने ये भी कह दिया कि इसी कारण एक साथ हुए, हम लोग इस कारण से एक साथ नहीं हुए, इस बार हम लोग पूरे संकल्प से लंबे समय तक साथ रहने के लिए साथ हुए हैं, इस बार हम लोग ये एक साल वाली बात नहीं है। महोदय, तो बता दिया जाएगा कि कल क्या होगा। महोदय, ये हमारा छोटा भाई है, ठीक है, हम तो इनको कहना चाहते हैं कि आप सचेत रहिए, हम लोग तो देख लिए हैं इनको। माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम तो दूसरी पीढ़ी है जो इनसे बार बार मार खा रहे हैं, तो इसलिए हम जानते हैं, और आप तो पहली और दूसरी पीढ़ी दोनों पिटा चुके हैं, हमको नहीं बताना। महोदय, महोदय, अरे अरे, पहले पूरी बात तो मेरी हो जाने है। आज का दिन कमा दिन है। इस बात से खत्म करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने अनुभव, पीढ़ियों के अनुभव के बारे में बताया कि दो पीढ़ी से हम लोगों के दल का अनुभव ले रहे, हमको उसमें कोई मतलब कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई हमको विरोध नहीं है। ये सही बात है कि नेता प्रतिपक्ष सभी दल में घूमते हुए, इनके दल में, उनके दल में, इस दल में, उस दल में, और महोदय जो है यदि बात विवाद हमारा अंतिम सुनिएगा कि नहीं, कि सब दल से घूमते हुए अंत में दल दल में चले गए हैं, इसलिए इनको मुबारक। नहीं नहीं, माननीय आज विवाद मान्य दल में ही कमल खिलेगा। मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि 24 और 25 सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलेगा। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में माननीय विजय बाबू ने जो विषय रखा, माननीय गुलाम गौस जी बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, माननीय गुलाम गौस जी कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। आपने अपनी बात कह दी है, और बहुत माननीय सदस्य जो बात बोलना चाहते हैं, थोड़ा समय पर हम लोग ध्यान। तो सुना आपने, विजय चौधरी ये कह रहे थे कि आप देखिए तारीफ भी कर रहे थे और चुटीले अंदाज में अपनी बात को भी रख रहे थे विजय चौधरी। उनका ये कहना था कि कभी इस दल में, कभी उस दल में, तमाम दलों में आपने घूमा है, तमाम दलों को आप जानते हैं, तमाम दलों में नेता रहे हैं, और इस दल उस दल करते करते आप दल दल में चले गए। बड़ा कटाक्ष था, बड़ा तंज था बीजेपी पर, और बीजेपी की तरफ से ही नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में जो सम्राट चौधरी बनाए गए हैं उनके लिए विजय चौधरी ने जब ये बात कही, उसके बाद से जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जो उनके तरफ के लोग थे, वो हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे। तो वहीं सम्राट चौधरी थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे और उन्होंने जवाब भी दिया। क्या हुआ वो आपने तस्वीरें देखी, और किस प्रकार से बिहार विधान परिषद की कार्यवाही चल रही है वो भी आपने देखा। हालांकि आज शुभकामनाओं का दिन है, देवेश चंद्र ठाकुर ने आसन की कुर्सी संभाली है और उसके बाद से तमाम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जो कि बीजेपी की तरफ से बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं दी जा रही है। लेकिन इसी शुभकामना के दौरान विजय चौधरी ने कुछ ऐसा कहा जो कि सबके लिए हास्यास्पद बन गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।